हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदिल खान है, मैं सारनी से हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ सारनी के सतपुड़ा जलाशय के पास के जंगल में। यहाँ पर पंप हाउस का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए बिजली लाइन डाली जा रही थी, जिसके लिए बड़े बड़े खंभे जंगल के बीच में से लेकर के पंप हाउस तक के गए। इसको लेके मैंने कुछ दिन पहले अपनी शिकायत दर्ज करी थी कि यहाँ पर बिना इजाज़त के पेड़ों को काटा जा रहा है और इन पेड़ों को ना काटते हुए लाइन को अंडरग्राउंड लेके जाया जाए। पर देखिए नतीजा क्या होता है कि शिकायत करने के बाद इन पेड़ों पर नंबर डाल दिए जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या थिंकिंग वाले अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं कि किसी ने शिकायत करी है कि वो पेड़ों को ना काटें। यहाँ पर ये इलाका बहुत संवेदनशील है वन्य प्राणियों को लेकर के, तो यहाँ पर जो वन विभाग है और जो नगर पालिका और जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है, इन लोगों ने पेड़ों पे नंबर डाल दिए हैं, अब काउंटिंग करके काटेंगे। और ये ऐसे छोटे मोटे पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। और ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है, यहाँ पर बाघ का मूवमेंट रहता है, यहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट रहता है, फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पर है, स्कॉर्पियंस है, रेप्टाइल्स की भरमार है। इतने संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ पर इतनी वाइल्ड लाइफ एक्टिव है, ऐसे क्षेत्र में पेड़ काटने की इजाज़त दे दी जा रही है और पेड़ काटने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो ये सच्चाई उन विभागों की है जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं और हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे, पर्यावरण को बचाना है। यही नगरपालिका पर्यावरण बचाने के लिए रैली निकालती है, प्लांटेशन करती है, और यही नगरपालिका यहाँ पर ये बड़े बड़े ये इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट रही है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जबकि यहाँ पर जो MPPGCL का पंप हाउस है उसके लिए जो लाइन डाली गई है, तो वहाँ पर कई जगह उन्होंने अंडरग्राउंड लाइन डाली है ताकि पेड़ों को नहीं काटा जाए। तो ये समझदारी का काम उस टाइम की कंपनी ने, उस टाइम के विभाग ने कर लिया, पर यहाँ पर क्या हो गया कि ये लोग समझदारी नहीं दिखा पा रहे हैं, या इनके लिए पेड़ काटना इतना ज़रूरी हो गया है। ये देखिए जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं इन सब पे मार्किंग है, ये देखिए इस पे डाला है 127 नंबर, ये इतना बड़ा पेड़ है। तो इज दिस हाउ नगरपालिका सारनी इज प्रोटेक्टिंग नेचर, इज दिस हाउ दे आर प्लांटिंग ट्रीज, ये तरीका है। और वन विभाग वो क्या कर रहा है, उसका तो काम है जंगल बचाना, जब यहाँ पर अंडरग्राउंड लाइन डाली जा सकती है तो फिर ये पेड़ों पे नंबर क्यों डाला गया इनको काटने के लिए, वाइल्ड लाइफ का क्या होगा यहाँ की। ये देखिए पेड़ उखाड़ के रखे हुए हैं, ज्यादातर पेड़ों पे यहाँ पर मार्किंग की गई है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कोई बोलने वाला नहीं है तो कुछ भी कर दो। पहले तो बिना मार्किंग के ये लोग कटाई कर रहे थे, जब शिकायत करी तो चलाकी से मार्किंग भी कर दी है, बट मेरे पास एविडेंस पूरे सुरक्षित रखे हुए हैं। इस तरह के गलत काम सरकारी विभाग कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा संवेदनशील बात है और बहुत गंभीर विषय है। मुझे उम्मीद है कि जो भी ऑफिशियल्स, जो स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स होंगे, कोई नेता, कोई मंत्री अगर मेरा वीडियो देख रहा है, तो नगर पालिका सारनी को स्पष्ट निर्देश दे कि यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और जो लाइन है उसको अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। मैं अभी आगे एक वीडियो बनाऊंगा अभी वापस जाते हुए अपने घर, कि कैसे अंडरग्राउंड लाइन गई हुई है यहाँ पर, तो वो करना चाहिए। यहाँ पर पेड़ किसी भी कीमत पे नहीं काटना चाहिए, ये इतने सारे पेड़ों को तो बिना परमिशन के काट ही दिया गया है। ये देखिए ये खंभा लगा है और पीछे पेड़ों पर मार्किंग की गई है उन्हें काटने के लिए। अब हमारे यहाँ पेड़ भी गिनती में आ गए हैं और इतने पेड़ काट रहे हैं, देखिए। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था कि MPPGCL का जो पंप हाउस बना था, तो इन्होंने यहाँ पर ये खंभा है, इधर आपको कोई तार नहीं दिखेगा, ठीक है, ये है, ये जो वायर्स हैं इनको ये लोग यहाँ अंडरग्राउंड लेकर के आ गए।
उस तरफ से सनलाइट पड़ रही थी, इधर से देखिए अब क्लियर दिखेगा। इसमें लिखा है 6600 वॉल्ट्स खतरा, और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए इन्होंने अंडरग्राउंड लाइन लेकर के गए। तो ये एक अच्छा तरीका है, पर नगरपालिका सारनी को ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये तरीका अपनाने से रोक रही है? आपको आपकी गवर्नमेंट की हर जगह से ये गाइडलाइन है कि ऐसे निर्माण करें और इस तरीके से करें कि कम से कम पेड़ों को काटना पड़े, ये आपका दायित्व है। उसके बाद आप ये किस हक से इस तरीके के पेड़ों पे नंबर डाल रहे हैं और उनको काटने की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है सारनी नगरपालिका सीएमओ से मेरा, और अब वो इस पे जवाब देंगे। तो मैं करीब 200 से 250 मीटर दूर आया हूँ, और ये दूसरा खंभा यहाँ पर है जिसमें कि ये अंडरग्राउंड वायरिंग गई है। तो इन्होंने यहाँ से अंडरग्राउंड वायरिंग डाली है जो कि 200-300 मीटर दूर आगे तक के जा रही है। तो जब मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ये काम कर सकती है, वो अपने पंप हाउस में पहुँचाने के लिए अंडरग्राउंड लाइन लेकर जा सकती है, तो नगर पालिका परिषद सारनी को क्या समस्या हो रही है? आप ये वीडियो देख रहे हैं या जनता भी इस शहर की ये वीडियो देख रही है, तो नगरपालिका सीएमओ से बोलिए, अपने यहाँ के पार्षदों से बोलिए, अध्यक्ष से बोलिए कि ये फैसला वापस ले पेड़ों को काटने का और अंडरग्राउंड लाइन डालने की व्यवस्था करें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जंगल में, और उनको काट देंगे तो बहुत गंभीर नुकसान यहाँ पर होगा। ये एरिया वन्य प्राणी के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, और हमारे यहाँ किसी के यहाँ भी जब भी कोई मेहमान आता है तो हम कहीं सबसे पहले आते हैं तो वो यही सतपुड़ा डैम है, यहीं का जंगल हम लोगों को दिखाते हैं। तो एकमात्र घूमने की जगह बची है, चाइनीज धरहर से वैसे ही डैम बर्बाद हो गया है, अब जंगल नहीं बर्बाद होने दिया जा सकता। ये अपर रेस्ट हाउस के नीचे का एरिया है, और ये देखिए यहाँ से भी जो है बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करके ले जाया गया है। यहाँ पर और भी तार थे तो इन्होंने इसको अंडरग्राउंड ले गए यहाँ से आगे। अगर आप देखेंगे तो इस खंभे के पीछे कोई वायर नहीं है, और जो भी वायर था उसको अंडरग्राउंड ले गए हैं। तो अंडरग्राउंड ले जाना पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है, सक्सेसफुल है और इको फ्रेंडली है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई होने से बच जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये खंभे लगे हुए हैं, और मैं आगे की तरफ आया हूँ, यहाँ पर पेड़ पे 235 नंबर डला हुआ है, यहाँ भी है खंभा लगा है, एक अंदर लगा है, बिल्कुल घना जंगल है, और यहाँ पर पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। पहले तो गैरकानूनी रूप से ही काट रहे थे, जब मैंने शिकायत करी तो उसके बाद नंबर डाल दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर भी लेकर के आए बिना किसी की परमिशन के, और पेड़ भी काटे और खंभा भी लगा दिया, और उसके बाद अब इसको लीगल दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं और आगे आ गया हूँ, तो यहाँ पर भी इन्होंने वही हरकत करी है, कुछ पेड़ों को काट दिया है, कुछ पे नंबर डाल दिए शिकायत के बाद में, और यहाँ पर जंगल में बढ़िया घुसपैठ करके पूरा जंगल का स्ट्रक्चर बिगाड़ा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का खुला उल्लंघन। और ये देखिए इतने बड़े बड़े सागौन के पेड़ हैं, महुए के पेड़ हैं, और भी अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं जिनको ये लोग काटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में तो जंगल ही नहीं बचेगा, और जबकि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ₹249,250 पेड़ तो यही हो गए हैं, लगभग 300-400 के करीब पेड़ों को ये लोग काटना चाहते हैं। ये देखिए पूरी जंगल में घुसपैठ करी गई है, और वन विभाग मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी बिल्कुल मौन है। नगर पालिका सारनी क्या करने जा रही है वो आप देख सकते हैं। एकदम घने जंगल के बीच में से ये लोग लाइन लेके जा रहे हैं।